हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो तहे दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स में। तो अभी हो गई है मॉर्निंग, और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे दिन की शुरुआत होती है चाय पीने से ही। तो मैं चाय लेकर आ गई हूँ बैल्कनी में और मस्त अकेले इंजॉय कर रही हूँ अपने चाय और बिस्किट को, क्योंकि आज हस्बैंड की ड्यूटी वो जल्दी थी, मतलब आज मीटिंग थी उनकी तो वो जल्दी चले गए थे, तो आज उनके साथ मैं चाय नहीं पी पाई। तो वो बिना चाय पिए ही आज चले गए, तो मैंने सोचा कि चलो अकेले हैं तो भाई एक अपना मी टाइम भी निकाल लेती हूँ। तो बस यही जो 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता है ना मॉर्निंग में, और देखो कितनी अच्छी प्यारी सी खिली खिली सी धूप आ रही है, और कल पूरी बारिश हुई थी, तो बारिश के बाद आज, मतलब आज सुबह से ही धूप है, कल तो पूरे दिन धूप निकली ही नहीं। तो यही जो 5 से 10 मिनट का टाइम होता है ना अपने लिए, जो सुबह थोड़ा रिलैक्स होकर बैठती हूँ, तो बस यही है। और फ़ोन भी चलाती हूँ थोड़ा सा चाय पीने के दौरान, वही 10-15 मिनट, उसके बाद फुल ऑन एनर्जी के साथ अपने कामों में लग जाती हूँ। तो बस इसी तरीके से अपने दिन की शुरुआत हो जाती है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। सबसे पहले आज बेड को ठीक करूँगी। तो आज देखो सारा कुछ ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, मेरे कपड़े भी ब्लू दिख रहे हैं, बेडशीट ब्लू, ब्लैंकेट ब्लू। तो ये वाली बेडशीट से मेरा ब्लैंकेट ना पूरा मैच कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसकी जो कवर है वो हटा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन कवर है ना बहुत प्रोटेक्ट करता है डस्ट से। तो फ़िलहाल अभी कवर मैंने लगा रहने दिया है, और उसे अच्छे से फोल्ड करके जितने भी पिलोज़ हैं, 4 पिलो हम लोग रात में यूज़ करते हैं, 2 पिलो उस कमरे का लेकर भी आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत पतले पतले से मुझे ना एक्स्ट्रा पिलोज़ लेने हैं, क्योंकि जब कोई फैमिली रिलेटिव आ जाते हैं ना तो फिर पिलोज़ कम पड़ जाते हैं। और यहाँ पर अब बेड को टावल से झाड़ लूँगी बेडशीट को, क्योंकि अभी कल या परसों ही मैंने बेडशीट चेंज की थी, तो इसीलिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मैंने बिछा दिया है, तो अब मैं यहाँ पे पिलो को भी अपनी जगह पे रख दूँगी, और ये जो 2 पिलो हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं रेड वाले, तो उसे उस कमरे में ले जाऊँगी। और अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, इतनी ज़ोर की बारिश हो रही है ना, आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड से, और साथ ही साथ कारपेट भी उठा लिया है ताकि उस कमरे में जाके कारपेट को झाड़ लूँ। अब बारी है ये दूसरे रूम के बेड को ठीक करने की, तो फटाफट से जितने कपड़े फैले हुए रहते सबसे पहले उन्हें हटाती हूँ, अपनी जगह पे जो दरवाजे के पीछे हैंगर लगा रहता है ना वहाँ पे हैंग कर देती हूँ, उसके बाद बेड हो जाएगा खाली। तो बस इसे भी टॉवल की हेल्प से हल्का सा झाड़ देंगे। ये वाली बेडशीट भी, अभी मैंने दोनों कमरों की बेडशीट परसों ही चेंज की थी, इसलिए मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको आवाज़ से पता चल रही होगी कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है, मतलब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ कि खिली खिली धूप है, और देखो अभी बारिश, जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो फिर से बारिश स्टार्ट। तो बीन बैग को निकाल के रख दिया था ऊपर ताकि नीचे अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा पाऊँ, और अब आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, तो फटाफट से लगा लूँगी यहाँ पे झाड़ू। और मेरी बैलकनी आपको कैसी लगती है मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और पता मेरी तुलसी सूख गई है, उसके लिए क्या करूँ प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। इतनी हरी भरी तुलसी थी, मतलब इतने बड़े बड़े से पत्ते थे, अभी अचानक से मतलब पता नहीं क्यों सूख गए। उसमें ना पानी जब डालती थी तो वो मतलब पास नहीं हो पाता था, और बीच बीच में मतलब पानी उसमें जमा रह जाता था, उसी वजह से सूखी है। तो अभी फिर से उसमें पत्ते नए आने के लिए क्या करूँ प्लीज़ मुझे एक बार, अगर आप में से किसी को पता होगा तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद अब आ गई हूँ सीधे किचन में, और किचन में आके सबसे पहले जो रात के धुले बर्तन होते हैं ना, तो वो सारा कुछ ऐसी स्लैब पे मैं उल्टा करके रख देती हूँ ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, और सुबह आके सेट करती हूँ। तो सभी पहले स्लैब से सभी बर्तनों को हटा लूँगी, और अभी सिर्फ चाय ही बनी थी मेरी, और हस्बैंड मेरे बनाना शेक पी के गए थे, तो वही मिक्सर जार वगैरह मैंने उसी टाइम धो धा कर रख दिया था हाथों हाथ। तो फटाफट से सूखे कपड़े से सबको पोंछ कर स्लैब को कर दूँगी क्लीन, खाली हो जाएगा स्लैब, उसके बाद एक बार कपड़ा मार दूंगी, क्योंकि रात में तो मैं क्लीन करके ही सोती हूँ, लेकिन खाली स्लैब पे कॉकरोचेस वगैरह बहुत घूमते हैं, और रात के अंधेरे में तो उन्हें मौका मिल जाता है तांडव मचाने का। तो इसीलिए फिर सुबह उठ के फिर मतलब एक जो बासीपना होता है वो भी निकाल लेती हूँ, और अच्छे से टाइल्स वगैरह पे भी पूरा कपड़ा मार दूँगी। फिर जब किचन क्लीन करती हूँ ना, तो लगता है कि यार पूरे टाइल्स ही मतलब मुझे अजीब सी गंदी गंदी सी लगती है, और मेरे बाल भी देखो इतने झाड़ू जैसे बाल मेरे, अभी सिर्फ क्लचर करके मैंने उठा लिया है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहे हैं यार, मतलब क्या ही बताऊँ क्या क्या प्रॉब्लम मैं बताऊँ आप लोगों से।
तो खैर अब यहाँ पे इस साइड की टाइल्स को मैं पूरा क्लीन कर लूँगी पानी का गैलन को साइड करके। नहाने से पहले जितनी भी साफ़ सफाई वाली काम होते हैं ना, अगर वो हो गया तो फिर घर पूरा ही क्लीन लगता है। और डेली बेसिस पे अगर आप ये छोटी मोटी चीज़ें करते रहोगे ना, तो आपका घर कभी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा कि आपको साफ़ करने में पूरा दिन भर लग जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप इसे एक दो दिन पे करते रहोगे, स्लैब तो देखो डेली क्लीन होता ही है, लेकिन अगर साथ ही साथ आप टाइल्स वगैरह भी पोछते रहोगे टाइम टू टाइम, तो वो कभी भी गंदगी आपकी इकट्ठी नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे जहाँ बर्तन वॉश करती हूँ ना, तो वो जब जब बर्तन वॉश करती हूँ तब तब मैं वहाँ पे कपड़ा मारती हूँ, तो अभी पूरे टाइल्स पे मैं कपड़ा मार दूँगी। तो कल जो बारिश हुई थी ना, उसके वजह से पूरी बैल्कनी में मतलब इतनी गंदी हो गई थी मेरी कि अजीब तरीके से, जैसे बालू बालू टाइप नहीं होता है, पूरे दीवार से निकल के मतलब आ गया था सारा मार्बल पे। तो उसके लिए सिर्फ पोछा काफ़ी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो हाथों हाथ वॉश कर देती हूँ, वही सही रहेगा, और इसी बहाने थोड़ी डीप क्लीन हो जाएगी दोनों बालकनी। वैसे तो मैं 6-7 दिनों में बालकनी धोती ही हूँ, वैसे तो हमेशा पोछा ही लगता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा दिन हो जाता है तो बहुत जब नीड लगती है धोने की तो फिर मैं कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पे ये जो रेड वाली बकेट है ना, ये मेरी इसी बालकनी में हमेशा रहती है, तो आज इसे भी अच्छे से वॉश कर दिया और पूरा वाइपर से पानी निकाल दिया। अब आ गई हूँ फ्रंट वाली बालकनी को धोने के लिए, तो रेलिंग से पूरा पानी डालते हुए अच्छे तरीके से पूरा मार्बल उर्बल में सब में पानी डाल के पहले साइड के जो कॉर्नर्स होते हैं उन सबको धो लूँगी, साथ ही साथ प्लांट में भी पानी दे देती हूँ। तो देखो अभी दीवारों पर पानी मैं दे रही हूँ, मतलब जब धोती हूँ तो क्या है ना कि पूरा जैसे दीवारों में भी अगर डस्ट वगैरह चिपक गया है तो वो भी एक साथ निकल जाए। अब सभी गमलों को हटा के मैं वाइपर से पूरा वाइप कर दूँगी, और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है अब उधर जो कॉर्नर की दीवारें हैं उधर मैं डाल दूँगी। और बस बारिश हुई थी उसी वजह से मुझे दोबारा से सब कुछ ये करना पड़ रहा है, वरना भी बालकनी धोए हुए मुझे ज़्यादा दिन हुए नहीं है। और बस बारिश होके बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बालू बालू किन किन पूरा बालकनी हो गया था, जो झाड़ू से और पोछे से सिंपली नहीं हटता। और धोने से क्या है ना, वो इकट्ठे जाके एक बार जहाँ पे पानी जहाँ से पास होता है वहाँ जाके जमा हो जाता है, तो वहाँ से वो बह भी जाता है, और अगर एक्स्ट्रा बाल वगैरह जो होते हैं ना वो जाली में फंस जाते हैं, तो उसे मैं फिर उठा कर फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे देखो बहुत टाइम लगता है पानी को वहाँ से पास करने में, पूरा धोने में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन जो पानी धीरे धीरे पास होता है, और कभी कभी तो वॉशरूम की भी पाइप का मतलब बड़ा स्यापा हो जाता है, बहुत धीरे धीरे पानी जाता है, नहाते रहो वो पानी जमा ही रहेगा, बहेगा ही नहीं। सो फाइनली अब मैं आ गई हूँ नहा वहा कर, इसके बाद मैंने लगाया पोछा, डस्टिंग करी पोछा लगाया और सीधे मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो नहा कर थोड़ा सा तैयार व्यार हो जा, थोड़ी सी स्किन केयर कर ली है और अब बालों को कॉम कर ले रही हूँ, फिर आराम से पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा करने में मुझे आधे घंटे से 45 मिनट तो डेफिनेटली जाता है। और देखो कैसे मेरे हेयर फॉल होते हैं, इकट्ठे मतलब गुच्छे में बाल मेरे सारे निकलते हैं, तो बालों को कर लूँगी जैसे कॉम। मैं आ गई हूँ नहा वहा कर, हो गई हूँ थोड़ा सा रेडी और अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। अभी लाइट आई है, पता मैंने पानी गर्म लगाया था बाल्टी में, तो देखो अभी तुरंत लाइट आई है और मोटर वगैरह अभी ऑन हुआ है। तो जैसे ही मैंने पानी लगाया बिल्कुल हल्का सा, जैसे 3-4 मिनट जैसा गर्म हुआ होगा पानी, उसके बाद फिर लाइट चली गई, फिर बीच में लाइट आई, फिर 2 मिनट रुकी, फिर चली गई। मैंने सोचा कि आज हो गया पानी गर्म, तो आज मैंने सोचा कि छोड़ो हटाओ, वैसे भी पोछा लगाते लगाते बहुत गर्मी लगने लग गई थी, मैंने सोचा कि आज गैस पे तो नहीं गर्म है। मैं 3 दिन से पानी गैस पे गर्म कर रही हूँ, लाइट का डेली यही ड्रामा हो रहा है, मैं क्या बोलूँ, इतना दिमाग ख़राब होता है ना जिसका कोई। तो फिर मैंने सोचा कि आज लाइट आए चाहे नहीं आए, जितना पानी गर्म होगा उतने में ही नहा लूँगी, और बिल्कुल नाम मात्र पानी गर्म हुआ था कि एक मग पानी मिलाओगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, वैसा पानी हुआ था गर्म, तो मैंने उतने में ही नहाया। बस आधा बाल्टी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, नहीं तो बस उतने में ही मैं नहा वहा कर आई हूँ। और जैसे नहा कर निकली अभी लाइट आई, इतना ड्रामा हो रहा है ना, तो मैं जा रही हूँ फटाफट पूजा कर लेती हूँ, 10:30 बज गए हैं, आधा घंटा करीबन पूजा करने में लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा व्लॉग, इसलिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और थोड़ा सा भी अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे, तो आपको अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर पहुँचाना है, और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर चैनल पर न्यू हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।
तो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव यू और सेल्फ फॉर रेस्ट।